हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है संडे और संडे को पता ही है सुबह कितने सारे काम रहते हैं, बच्चों का ड्रेस धुलना, झाड़ू पोछा, बाथरूम क्लीनिंग, बहुत सारे काम रहते हैं। और वैसे आज प्रदोष भी है तो मैंने बच्चों को सुबह हलवा बना के दे दिया था। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो आज है संडे और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है तो इसलिए आज लाल चाय बना रही हूँ, काढ़ा। और बाहर देखिए मौसम आज थोड़ा अच्छा है, धूप हुई है। और इधर कुकर में मैंने आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। और आज संडे है तो आज थोड़ा साफ सफाई का भी काम चालू की हूँ, क्योंकि धूप अच्छी हुई है तो मैंने अपने बेड का गद्दा और बच्चों के का गद्दा सब कुछ धूप में डाल दी हूँ। और धूल वूल सब अच्छे से डस्टिंग कर दे रही हूँ। बारिश का मौसम है, धूल तो उतनी उड़ती नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा साफ सफाई कर दूँ। ये सब रोज़ का तो काम है नहीं, रोड उड पे घर रहता है तो ज़्यादा धूल वूल उड़ती है, लेकिन इधर का एरिया अच्छा है, उतनी धूल नहीं उड़ती। और यहाँ पर बच्चों के कमरे के भी गद्दे वद्दे मैंने डाल दिए हैं। सब कुछ अच्छे से साफ सफाई करूँगी आज। डेली तो सुबह के टाइम ये रहता है कि फटाफट नहा धो, बच्चों का लंच वंच बनाओ, लेकिन संडे को ये बाजा वगैरह सब कुछ अच्छे से पोंछ दूँ। थोड़ा बहुत धूल उल आ गया है। और अभी हमारे घर रुद्राभिषेक होने वाला है संडे को 20 तारीख को, इसलिए थोड़ी और अच्छे से क्लीनिंग हो जा रही है मेहमान लोग के आने से पहले। यहाँ पर फ्रिज भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, सब्जियाँ इसमें ख़त्म हो चुकी थी तो थोड़ा फ्रिज में स्मेल आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से धुल दिया, सारा निकाल के माँज के एकदम अच्छे से धोया है। और ये फ्रिज मेरी शादी की है। इसके बाद फिर किचन के सारे डिब्बे को अच्छे से मैंने धुला, जो बंद सामान थे उसको बंद ही धुल लिया, और जो मतलब खाली हो गए थे उनको अच्छे से करके धुल दिया। सबको अच्छे से ढंग से पोछ उछ के रख दे रही हूँ। आज संडे है तो आज मेरा बस क्लीनिंग डे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सारे डिब्बे उब्बों को अच्छे से मैं ढंग से रख दे रही हूँ। और ये सब करने में थोड़े बहुत मेरे बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, सारा डिब्बा वो लोग उतार दिए थे। तो यहाँ पर मेरा किचन एकदम साफ सुथरा हो गया है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है संडे और संडे को पता ही है सुबह कितने सारे काम रहते हैं, बच्चों का ड्रेस धुलना, झाड़ू पोछा, बाथरूम क्लीनिंग, बहुत सारे काम रहते हैं। और वैसे आज प्रदोष भी है तो मैंने बच्चों को सुबह हलवा बना के दे दिया था, और अभी खाना बनाना बाकी है, लेकिन कपड़े भी डालने हैं तो चल रही हूँ कपड़े डालने पहले। और यहाँ पर बच्चे लोग, ये लोग आजकल वो देख रहे हैं WWE रोमन रेस और क्या लड़ाई झगड़ा वाला ढिसुम, इन लोगों को ये सब ज़्यादा पसंद है। तो चलिए चलते हैं पहले कपड़े डाल लें। आज भी उन्होंने सब में मिट्टी उट्टी डाल के बढ़िया कर दिया है, और सुबह ही और कपड़े धुली थी तो और डाल दी थी। यहाँ पर बच्चे ले आए थे डालने,
सोची कि धूप अच्छी होगी, लेकिन अच्छी धूप नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही। बारिश से बहुत बोर हो गए हैं, रोज़ रोज़ किचिर पिचिर बारिश। बस दो तल्ला चढ़ने में थकाई लग गया। तो फ्रेंड्स चलिए पहले कपड़े डाल लें। यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए और बच्चे लोग हैं नीचे। बारिश के मौसम में देखिए लगातार बारिश होने से थोड़ी बहुत काई भी लग गई है मेरे छत पे, क्योंकि केवल डबल कोट पुट्टी ही हुआ है तो इसी वजह से हो गया होगा। थोड़ा सा फिर मुझे झूला झूलने का मन कर दिया, क्योंकि छत पे कई दिन से आ नहीं रही थी, बच्चे लोग के कपड़े डाल देते थे, तो आज मुझे झूला झूलने का मन कर दिया तो थोड़ा सा झूला भी झूल ली। और इसको मैंने अच्छे से मजबूती से बांधा है। हवा भी बड़ी तेज चल रही है और देखिए बादल एकदम घेरे हुए है, बारिश हो भी सकती है। लेकिन फिर नीचे खाना वाना बनाना था तो मैं अब चल रही हूँ, यहाँ बैठ के झूला झूलने का टाइम नहीं है। वैसे भी लेट ही हो जाता है संडे के दिन। कपड़े उपड़े डाल दिए, थोड़ा सा इधर उधर देख ली। यहाँ पर देखिए धान पूरा रुका गया है अच्छे से। कपड़े डाल दी हूँ लेकिन डर लग रहा है कहीं जोर से बारिश ना आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नीचे, अभी खाना भी बनाना है। अपने लिए भी कुछ नहीं बनाई है। आज प्रदोष है तो कांवरिया वाले जा रहे हैं, देखिए डीजे सुनाई दे रहा है ना। डीजे बजता है तो ऐसे लगता है नाच के कौन करता है, अंदर से कुछ फील होने लगता है। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को 15 अगस्त है तो स्वतंत्रता दिवस का सब अपना झंडा उंडा बैच उच खोज रहे हैं। और देखिए मेरा बेटा गुस्सा होने लगता है जहाँ देखता है कि मम्मी मेरा वीडियो बना रही है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्लॉग व्लॉग में आना, इसलिए मैं अपने बड़े बेटे का बिल्कुल नहीं बनाती। और छोटा बेटा तो शरारती है, उसको तो अच्छा लगता है तो उसी को मैं वीडियो में ले लेती हूँ कभी कभार। और यहाँ पर बच्चों का सब बैच वगैरह रखा है तो वही लोग अपना देख रहे हैं। फिर इसके बाद मेरा मन किया थोड़ा सा उन लोगों के साथ रील्स बनाने का, तो देखिए मैंने बनाया। रोज ये शोर करे, कभी आउटडोर करे, कभी इंडोर करे, और अब रोके मुझे बोर करे। अल्लाह झूठे हैं तेरे बच्चे बच्चे। खाना वाना फिर मैंने बनाया, दाल चावल सब्जी रोटी, उसका मैं वीडियो नहीं बनाई कि क्या वही रोज रोज एक ही चीज। फिर ये है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ मठरी। मैदा रखा था तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ इसका, तो यही नमकीन बना दे रही हूँ थोड़ा सा। बच्चे लोग को साथ चाय नाश्ता के लिए हो जाएगा चाय के साथ। फिर इसके बाद ये है नेक्स्ट डे, मंडे का दिन, और आज है 15 अगस्त। और आज धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी खिली हुई है। अभी मैं नहाई उहाई नहीं हूँ, पहले मैंने सोचा गेहूँ वगैरह धुल दूँ, और आज बाल में मेहंदी भी लगाई हूँ क्योंकि थोड़े बहुत मेरे बाल वाइट हो गए हैं, तो इसलिए मैं रेड मेहंदी या ब्लैक मेहंदी कुछ लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने गेहूँ धुल दिया है, चलूँगी भी आज छत पर डालनी, क्योंकि रुद्राभिषेक से पहले साफ आटा वाटा पिसवा दूँ, क्योंकि मौसम का कुछ ठीक नहीं है।
कब बारिश हो जाए। और आज धूप बहुत अच्छी हुई थी और यहाँ पर और भी मैंने कुछ डाला था दाल। बच्चे लोग अभी स्कूल जाएंगे क्योंकि आज 8:15 से था, तो मैंने सोचा पहले 7 बजे से गेहूँ ही धुल दूँ, फिर बच्चे लोग चले जाएंगे स्कूल। और आज उनका मेडल भी मिलेगा जो फर्स्ट आए थे परीक्षा में, मतलब जो अगली क्लास का मेडल आज मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग 15 अगस्त वाला ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, वो मैं कल डालूँगी क्योंकि आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये 15 अगस्त के सुबह तक का ही था। तो गेहूँ हूँ डाल दूँ गेहूँ। बारिश तो है लेकिन मौसम अच्छा हुआ है तो थोड़ा धुल दे। बड़ी मेहनत हो जाती है नीचे से धुल के ले आ ऊपर, थक जाती हूँ मैं, तो बच्चे हैं थोड़ी हेल्प करा देते हैं। और इतना आज कड़क धूप है कि एक ही दिन में सूख भी जाएगा मुझे लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था, अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? कुछ खास तो नहीं था लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा आज साफ सफाई की क्योंकि तैयारी करनी है मुझे रुद्राभिषेक की, इसलिए लगातार ब्लॉग आ भी नहीं पाएंगे, अभी इकट्ठे पूजा उजा के भी आएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखा कीजिए और जो भी मुझे देखते हैं कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चलता है। अब जब चैनल बनाया है तो थोड़ा ग्रो करे तो अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग फुल सपोर्ट किया कीजिए और आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।